7000 भी नहीं चली, 6800 समथिंग चली है। तो भाई मतलब ऐसे क्या करते हो, तीन बार इसके टायर चेंज हो गए। एक बार चंडीगढ़ गई थी रात को, ट्यूब में इतनी मतलब इतनी हीट है, ये देखो आप अंदर देख सकते हो आप लाइट के, ये देखो मतलब भाई इतनी हीट है कि जली हुई है अंदर से ना हेडलाइट भी। पर भाई ऐसी स्विफ्ट नहीं देखी आपने, बोला था कि भाई सबसे यूनिक है। बस प्लास्टिक है ये भाई, किसी भी कार में लग जाती है कैसे? किसी भी कार में लगा दो भाई, ये डबल टेप और यहाँ पे पिन होती है उसमें कसा हुआ है ये बस। अच्छा अच्छा, चाचे च नाम जिवे एंटर एंटनी, पैरी रखे करके गुडे ते पेंटनी, चकने लगे ना पट्टू लाऊंगा बेंटनी, पहलियां तो कपूरू बनाऊंगा एंटनी। ओ देसी जगी ता ट्रैप जी बीटा, सिर काट काट दे स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे। शहर दी हवा भी होई साडे वल दी, अज साडे वल दी पता नहीं गल दी, ओ बदले जे कल भी तां कोई गल नहीं, चक्कर जवानी जिंदगी है चलती चलती, चली ते मट्टी रख दे स्पीड, गाने गड्डियां च चलदे रिपीट, लुई कंडे आउंदे बॉडी छड़दी है हिट, सिर हिलदे है जाबे जिवें चढ़ गई है नीट। आवें दी जीना लाइफ पसीना, रातां रंगीना चौबर चकीना, टप्पां च लीना गल्लां तों मीना, कई नारां दे मैसेज छड्डे कसीना, पक्के तराकिया ना उठते जवाकिया, दारू च करदे डराउन मुंडे। Hey guys, welcome back to my channel. Hope करता हूं सब बढ़िया होगे और मस्त होगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। सच बताऊं भाई, बहुत सारी स्विफ्ट देखी है मैंने और बहुत सारी आपको दिखाई भी है, पर यार सच बताऊं ऐसी स्विफ्ट मैंने अभी तक नहीं देखी। और ये कलर आप भाई मेरे चैनल पे पहली या दूसरी होगी ये मेरे को आइडिया है नहीं। तो भाई बहुत अच्छा काम करा हुआ है भाई ने, जैसे कि आपने भाई सिनेमैटिक शॉट में देख लिया होगा। तो सारी चीज हम डिटेल में बताने वाले हैं, भाई का इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यूजर नेम स्क्रीन पर आई रहोगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो गाइस आज की वीडियो में फिर दोबारा आते हैं हमारे आदर्श भाई। तो भाई कैसे हो? बहुत अच्छे भाई, आप कैसे हो? भाई बिल्कुल बढ़िया भाई। सच बताऊं आपका कलेक्शन यार बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा हटके। जैसा कि अगर भाई किसी ने भाई अपनी फॉर्च्यूनर वो खड़ी, मर्सिडीज वो खड़ी, तो फॉर्च्यूनर की आपने देख ली होगी और मर्सिडीज की मैं कह नहीं सकता कि इससे पहले आएगी या बाद में आ चुकी होगी तो उसका पता नहीं, तो जाके देख लेना जो भी हो। तो आज भाई स्विफ्ट लेके आए हैं और बहुत ही तगड़ी मॉडिफाई कराई हुई है भाई। मैंने ना बहुत सारी स्विफ्ट मतलब कवर करी अपने चैनल पे, जैसा आपने भी देखा होगा ना, पर भाई ऐसी स्विफ्ट नहीं देखी। आपने बोला था कि भाई सबसे यूनिक है, तो भाई सबसे यूनिक है तो भाई ये देखो। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि अपनी कार का मॉडल है कौन सा? भाई मॉडल है 2021 मॉडल VXI है। VXI है भाई, ये देखो अपना मिड वेरिएंट है और जैसा भाई ने भाई काम बहुत ही तगड़ा करा। भाई एक बार हेडलाइट ऑफ कर दो, DRL ऑन रहने देना बस। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये देखो अपनी ग्रिल लगी हुई है ये ब्लैक वाली, और जो नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है ना वो भाई इस तरफ करा रही है भाई ने, और बहुत ही ज्यादा तगड़ी लग रही है। और नीचे अपने स्प्लिटर वगैरह हो गए, इधर DRL हो गए, इधर IPH के अपने प्रोजेक्टर हो गए। तो भाई आपने इतना सब कुछ कराया, हेडलाइट चेंज नहीं कराई? भाई हेडलाइट चेंज देखो सब कराते हैं, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वही जो फॉर्च्यूनर में काम कराया हुआ है, बिल्कुल स्टॉक लाइट है, अपने DRL डलवा रखे है इसमें, और इसमें जो HID डली हुई है वो HID मैंने भाई जेनोम से मंगाई है, मतलब ऑर्डर करके। अच्छा अच्छा, HID समथिंग 12,500 की है। 12,500 ऊपर की HID है जो। अरे वाह, ऊपर वाली। और भाई तू कितने की मतलब की कितने वॉट है अपनी ये जेनोम की? भाई इसका तो देखो मेरे को इसका आइडिया नहीं है, पर रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है, और आप ये भी देख सकते हो हम लंबे ट्रिप पे गए थे तो मतलब ट्यूब में इतनी मतलब इतनी हीट है, ये देखो आप अंदर देख सकते हो आप लाइट के, ये देखो मतलब भाई इतनी हीट है कि जली हुई है अंदर से ना हेडलाइट भी। तो भाई ये देखो बहुत ही बढ़िया कस्टमाइज करा हुई। तो भाई इसकी कस्टमाइज में क्या कितना खर्चा आया था, जैसे DRL वगैरह? अब मैं आपको बताता रहूंगा साथ के साथ, मैंने इसका मैंने अभी टोटल नहीं किया। अच्छा, टोटल लग रहा है, लग रहा है, लगता जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो पसंद आती है चीज लग जाता है। और भाई ये ग्रिल की बात करें, ये कितने की ग्रिल? भाई ये आई थी बिल्कुल लेटेस्ट आई थी उस टाइम। अच्छा अच्छा, ये स्टार्ट हुई थी 5500 से, मेरी में लगी है 5000 की। अच्छा अच्छा, 5000 रुपए की लगी है। अब तो ये 3000 की भी आ रही है, ढाई बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जैसे इसमें आपने कटिंग करवाई है? नहीं, एक ग्रिल के साथ नंबर प्लेट का फ्रेम आता है। अच्छा हाँ जी भाई,
तो भाई मतलब इसमें कोई दिक्कत परेशान नहीं है कि पुलिस वगैरह होगी कि इधर साइड में कैसे क्या? दिक्कत बहुत आती है, नहीं साइड वाइज नहीं आती। हाँ हाँ, इसमें नंबर प्लेट की वजह से आती है, साइड वाइज कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साइड वाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ना ये ना लुक बहुत ही ज्यादा एनहांस करी, और भाई ने अपने लोकल लोकल के लिए बनाई हुई है, लोकल के लिए लोग। तो ये देखो भाई क्या बढ़िया लग रही है, और भाई नीचे अपने आईपीएच के प्रोजेक्टर है ना भाई, जेनोम के ही प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी सेम कॉस्ट वही है भाई इसकी, 10,500-11,000। अच्छा अच्छा, और नीचे भाई अपनी देखो ये अपनी वो स्कार्टिंग्स लगी हुई है ना, ये देख सकते हो। अरे वाह क्या बढ़िया लग रही है। तो भाई इसकी क्या प्राइसिंग थी अपनी स्कार्टिंग? भाई उस टाइम मैंने मंगाई थी, मेरे हिसाब से ये आई होगी 6,500-6,000 रुपए, 6,500-6,000 रुपए के समथिंग में। और ये देखो भाई मैं अगर सच बताऊं तो इस टाइम उसमें भाई ये क्या होता है वो ABS? हाँ ABS। हाँ जी हाँ जी, तो ABS वाली बहुत बार टिक चुकी है पर ये टूटता नहीं है। अच्छा था, ये देखो भाई मतलब बहुत बार टिक चुकी है तो भाई अटता नहीं है ये और ना टूटता, क्योंकि ABS अपनी ABS वाली है ये। भाई जो लुक है ना आगे बताऊँ इस टाइम पे नहीं आ रही, क्योंकि भाई रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अगर दिखाऊं तो साइड लुक, तो ये देखो भाई आज हम आपको पहले एलॉय दिखाए थे, तो ये देखो पहले इस पे भाई स्टिकरिंग हुई पड़ी है ब्लैक लिस्टेड। और भाई इसके टायर साइज का बात करो तो भाई क्या टायर साइज इसका? 17 इंचेस है, 17 इंचेस के 25। हाँ कुछ फिर उसके बाद R17। अच्छा अच्छा, तो भाई 17 इंचेस के अपने अलॉय व्हील्स हैं। तो भाई ये 17 इंच लग नहीं रहे, बहुत ही बड़ा लग रहा है, क्योंकि स्टिकरिंग से ना बहुत लुक इनहेंस हो जाती है कार के भी, और प्लस आप देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन बैटर है इसका, ये हो गया। और भाई ने ये अपने ये ब्रेम्बो बोलते हैं शायद इसको, ब्रेम्बो है भाई ये, है ना? हाँ जी, ये कैलिबर, ये मैंने ब्रेक पैड ये पेंट नहीं कराए हैं, क्यों? हाँ हाँ, उसमें जाती है ना भाई गाड़ी कंपनी में जाती है, इंश्योरेंस में बहुत इशू आते हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई ने ऊपर ब्रेम्बो कवर, ये कवर है ना भाई ओनली? हाँ जी ये कवर है, हटवा देता हूँ, रिम्स डालता हूँ, फिर ये अंदर जाती है, सर्विस होकर आ जाती है, गारंटी में भी रहती है गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो शोक का शोक कर लेते हैं भाई बिल्कुल। ये देखो भाई ये अड़ते नहीं, टच वच नहीं होती क्या भाई? पूरी एडजस्टिंग की हुई है। अरे वाह, ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है, देखो भाई ब्रेम्बो अपने लगे हुए हैं इसके अंदर, मतलब पहली बार किसी शिफ्ट में देखे भाई ये ना तो भाई ये देख रहे हो। तो भाई अपने अलॉय व्हील्स का क्या खर्चा था? अलॉय व्हील्स उस टाइम भाई करीब करीब 1.5 साल हो गए गाड़ी को। हाँ हाँ, 1.5 साल हो गए भाई से? हाँ जी भाई 1.5 साल हो गए गाड़ी। भाई जैसी मेंटेन है, मैं बताऊँ इस पे ना भाई ने शायद सेरेमिक वेरेमिक भी करा रहा है, हर 6 महीने में इस पे कोटिंग होती है। तो भाई कोस्टिंग इसकी क्या कोस्टिंग थी कोटिंग की पहले? भाई कोटिंग मैंने एक बार शोरूम में करवाई हुई है, 2 बार बाहर हुई है, तो मेरी 2 बार लेते हैं वो उन्होंने लिया था 12,500-12,500 है ना। और जैसे हम बात कर रहे थे भाई अपने अलॉय व्हील्स की और इसकी ब्रेम्बो की, भाई क्या प्राइसिंग थी इसकी? ब्रेम्बो तो ये वैसे ही आ गए थे भाई 600-700 रुपए के आ गए थे। अच्छा अच्छा, ये प्लास्टिक है वैसे नॉर्मल, बस प्लास्टिक है ये भाई। किसी भी कार में लग जाती है कैसे? किसी भी कार में लगा दो भाई, ये डबल टेप और यहाँ पे पिन होती है उसमें कसा हुआ है ये बस। अच्छा अच्छा, तो हम बात कर रहे थे भाई अलॉय व्हील्स की क्या प्राइसिंग पड़ गई? अलॉय व्हील्स की प्राइसिंग पड़ी थी टोटल प्लस टायर के साथ, टायर के साथ, टायर तो मैं 3 बार चेंज करा चुका भाई अब। अच्छा भाई टायर मतलब कितने, 1-1.5 साल हुए और 3 बार टायर चेंज? साल हुए, गाड़ी भी कुछ ज्यादा नहीं चली भाई मेरी गाड़ी, 7,000 भी नहीं चली, 6,800 समथिंग चली है। तो भाई मतलब ऐसे क्या करते जो 3 बार इसके टायर चेंज हो गए? एक बार चंडीगढ़ गई थी रात को, वहाँ पता नहीं चला, तो वहाँ पे टायर वायर की दिक्कत आ गई थी। हेलो, एक भाई ले गया था वो टायर फुला लाया था, और अब ये तीसरी बार आपके सामने डल रहे हैं, परसों डलवाए। अच्छा परसों डलवाए, तो भाई ये चाइनीज है अपने कैसे? भाई ये चाइनीज है, इससे पहले ब्रिजस्टोन थे, ब्रिजस्टोन भी डलवा के देख लिया, वो भी इतने ही चलते हैं, ये भी इतने ही चलते। तो भाई मतलब ये मतलब एक पॉइंट है कि भाई बहुत बंदे कहते हैं कि भाई कंपनी वाले टायर डलाओ अलॉय व्हील के साथ। कंपनी वाले टायर अच्छे हैं उनके लिए जिनकी रनिंग ज्यादा है। हाँ मेरी कोई रनिंग ही नहीं भाई, बिल्कुल आप नहीं। जैसे हम एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि जैसे ब्रिजस्टोन डलवाया, ब्रिजस्टोन भी फट गया, ये फट गया, फूल गया टायर, फटा नहीं फूल गया, अब उसके लिए कंपनी में जाऊं ना जाऊं वो वाली बात है, बिल वाली बात है, आपसे क्या झूठ बोलूं। बिल्कुल बिल वाले टायर नहीं थे वो वैसे टायर थे, मतलब जो थोड़ा सस्ते का माल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो बिना विदाउट बिल के विदाउट बिल कटिंग होके मिलता है ना वो वाला था। तो भाई ये देखो अपने अलॉय व्हील आपको दिखा दिए और अपने टायर वगैरह भी आपको दिखा दिए, तो जैसा प्राइसिंग शायद भी अपनी रह गई है, ज्यादा नहीं आई थी इसकी मेरे हिसाब से 55-60 समथिंग आई थी, 55-60 हजार के अपने अलॉय व्हील डले थे। और भाई जैसे स्टिकरिंग ये आपने अब करवाई है, इससे पहले भी हुई पड़ी है स्टिकरिंग तीनों टायरों पे? भाई मैं आपको फोटो भेजूंगा, आपको वीडियो भी दे रखी है, उनपे अलग स्टिकरिंग है, बिल्कुल रेडियम थी। हाँ हाँ, वो दे रखी है मैंने, वो टायर अभी चेंज कराए हैं। अच्छा अच्छा, फिर मेरे को ये मतलब प्रेफर जैसे आपने बोला कि हाँ इसके हिसाब से मैच हो रही है, मैच हो रही है सब, फिर मैंने येलो लगवाए। हाँ हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया लग रही है कार। और मैं पीछे से दिखाऊं तो भाई एक बार टेल लाइट्स ऑन कर दो, जब भी मजा आएगा इसमें ना, तो भाई जो इसकी स्टार्टिंग होती है ना जो टेल लाइट्स की, वो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगती है। तो एक बार भी आप ऑन करेंगे ना जब, देखना ये देखो भाई
मतलब क्या तगड़ी लुक आ रही है। और भाई आप सोच रहे हो भाई ये स्मोक है, स्मोक नहीं ऐसी आती है इसमें, तो ये देख सकते हो। तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग थी अपने टेल लाइट की? ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है इसकी, वही है आपकी 10,500-11,000 और ऊपर भाई अपने पिलर लाइट लगी हुई। तो भाई इसकी ये मैट्रिक्स है, इनकी कॉस्टिंग आई थी 2,200 रुपए। नॉर्मल आते हैं जो 1,800-1,700 समथिंग आते हैं। अच्छा अच्छा, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स वाले अपने। तो भाई ये देखो पीछे कुछ एज इट इज, मतलब जैसा होता है स्टॉक वही है, मतलब प्रॉपर जो चेंज कराने वाली चीज थी वो करा लिया। और पीछे भाई एग्जॉस्ट है या बस ओनली टिप? टिप है आपकी कार में भी टिप है। वो मैंने मर्सिडीज की आपको बताई थी चलान के, उन्होंने रख लिया था वो एग्जॉस्ट भी। बिल्कुल मर्सिडीज वाली आप जाके वीडियो देख लेना, उसमें सारी चीज डिटेल में बताई हुई है। तो भाई हमने ओवरऑल बाहर से दिखा दिया है ना, तो भाई इंटीरियर में दिखाते हैं। इंटीरियर में सिस्टम वगैरह भी है क्या भाई? नहीं भाई, सिस्टम मारुति आपको पता है बजने वाला काम, बिल्कुल अनलॉक करो भाई कार। तो भाई इंटीरियर की बात करें तो भाई इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, जैसा अपना भाई ये ब्राउन है ना? हाँ जी भाई, ये डार्क ब्राउन कलर है, ये डार्क ब्राउन कलर है। ऊपर देखो रूफ, देखो वेलवेट वाले अपने रूफ है ना, पूरे पिलर ब्लैक है भाई। ये देखो मतलब अंदर से प्रॉपर अपने देखे जाए तो ब्लैक है ना, ये देखो अपने पिलर वगैरह सब चीज ये देखिए। तो अगर सिस्टम की बात करें तो स्टॉक है ना? स्टॉक है भाई। जैसे भाई को अगर आपने फॉर्च्यून वाली वीडियो देखी तो भाई जाके देखो, उसमें भाई ने बताया सिस्टम का शौक नहीं है। भाई शौक भी नहीं है, और आपको पता है मारुति गाड़ी सिस्टम मतलब गाड़ी झिलेगी नहीं है ना, गाड़ी भी झिलेगा नहीं। तो भाई हमने देखो इंटीरियर की बात करें तो बस इतना ही कुछ चेंजेस है। और भाई स्पीकर वगैरह सब कंपनी मैट वेट? हाँ भाई, स्पीकर स्टॉक है आपके, मैट चेंजेस है भाई। अच्छा, मैट वगैरह, हाँ सीट कवर चेंजेस है। तो भाई ये सीट कवर का अपना क्या खर्चा आ गया? भाई ये सीट कवर पड़े थे मेरे को 8,500 के, 8,500 के सीट कवर। तो भाई ये आपको चीज दिखा रहे थे, ये चीज ये भाई डस्ट रोकती है नीचे सीट में जाने से। ये भाई स्पेशल बनवाए हैं, लगवाए मैंने। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो सीधी ला के देते हैं ना। तो भाई ये चीज भी आप करा सकते हो, आइडिया ले सकते हो। देखो भाई इस तरीके की चीजें करा लो तो बढ़िया रहती है, मतलब ये सारी चीज भाई बढ़िया है। तो अगर भाई मैं बात करूँ रूफ की, क्या कॉस्टिंग थी अपनी? रूफ की कॉस्टिंग आई थी मेरी भाई, रूफ पिलर ये 6 के 6 पिलर आए थे आपके, इनकी कॉस्टिंग आई थी 12,500। 12,500 रुपए इनकी कॉस्टिंग थी, और सीट कवर की इनकी अलग थी है ना। ये गाड़ी के साथ का ही काम हुआ ऐसा। अच्छा, मतलब गाड़ी लेते ही करवा दिए थे क्या? हाँ जी भाई, मतलब अपने भाई ना पूरे शौकीन है, मतलब तीनों गाड़ी बहुत ही तगड़ी बनाई हुई है हकीकत में, बस सिस्टम छोड़ के है ना। मतलब सिस्टम ऐसी बनाई हो ना कि अगर कोई बाहर से भी कहेगा कि भाई तगड़ा ही सेटअप लग रहा होगा इसमें। तो भाई अब आपको भाई आउटपुट सुनाने वाले हैं कि किस तरह की आउटपुट आने वाली है। तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब हम। भाई सिस्टम अपना एज इट इज स्टॉक ही है ना, जो आता ही है। तो भाई अब ये बताओ मोटा मोटी कि अब पूरी गाड़ी में कितना खर्च कर दिया? पूरी गाड़ी में ऑलमोस्ट हो गया है 182 के समथिंग। और अगर भाई कोई बाहर से कहेगा कि भाई कुछ मोटा ही तगड़ा खर्च कर रखा है 2.5-3 के लपेट में, भाई देखो छोटा मोटा लगता रहता है। मोटा मोटा ऐसा है नहीं, मैं कह दूं आपको टायर भाई मैंने डलवाए थे 1,00,000 के, ये नहीं जितने के डलवाए थे भाई देखो, क्योंकि आजकल की पब्लिक को भाई सब पता है कि कितने क्या चीज चल रही है ना। तो भाई एवरेज क्या निकाल रही है इन पे? एवरेज भाई आप खुद देख लो, दिखाता हूँ आपको एवरेज दिखाते भाई, ये देख रहे भाई 12.8 की एवरेज है। तो भाई ये सच कहती है या गलत कहती है? भाई देखो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बताता है मीटर, इतना कोई अच्छा नहीं बताता नहीं, पर हाँ 13-14 ऐसे देती है भाई, क्योंकि मेरा लोकल में ज्यादा है काम इस गाड़ी का। जैसा आपको बताया भाई लोकल के लिए बनाई हुई है सारी। तो भाई आपको ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें दिखा दी, अगर यहाँ तक वीडियो देख लो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।